दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैंने वीडियो एंड किया था अपना। तो मैंने मैगी बनाया, इस तरह का मैगी किस किस ने खाया है? मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, ये सारी दालों को मिक्स कर लिया है। मिक्स दाल बना रही हूँ। तो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है नमक हल्दी डाल के। और तब तक यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसमें ग्रॉसरी ही आई है, हमें पता है। तो देखो कितने बड़े डब्बे में बस ये तीन से चार चीज़ें ही भेजी हुई हैं। तो ये बेसन ख़त्म हो गया था, टाटा संपन्न का बेसन है, राजभोग मखाना है, चीनी है और कोरिएंडर पाउडर है, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये आ चुका है, और क्योंकि फेस्टिवल में ये सारी चीज़ें लगती हैं, चीनी ज़्यादा लगती है और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो जो जो ख़त्म हो रहा था वो मैंने मंगाया। और भी मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया है, तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आप एक छोटा सा शॉपिंग हॉल देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना अमेजन फैशन हॉल आईडी लुक। आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जितने भी हॉल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एक्स्ट्रा हैप्पीनेस अभी है, तो आप ऑफर के साथ चीज़ें खरीद सकते हैं। क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल टाइम है, हम सबको शॉपिंग करनी है और टाइम नहीं है मार्केट जाने का, तो घर बैठे शॉपिंग कीजिए, ऑफर के साथ कीजिए, तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो आप ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और लिंक मिलेगा आपको माई हॉल स्टोर का, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो प्राइस के साथ पिक्चर के साथ मेरी सारी फेवरेट चीजें एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। बार बार वो आपको क्लिक करके नहीं देखना पड़ेगा, इसमें भी आपको टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है यार। दिवाली पास में है और घर की साफ सफाई चल रही है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं तो फटाफट से कुछ भी पसंद आता जल्दी से ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग भी यही कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, सबसे पहले ये साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये है रेड कलर की कॉटन सिल्क साड़ी, बनारसी टाइप है, इसका कलर रेड है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है और बहुत ही अफोर्डेबल है, 1000 के अंदर ही है सारी चीजें, तो ट्राई ऑन में भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, विद ब्लाउज पीस है, एंड आप सिर्फ और सिर्फ इसको हैंड वॉश कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। कलर इसका बहुत ही प्यारा लगा है, और ये साड़ी ऐसी है कि आप छोटे मोटे फेस्टिवल में पहन सकते हैं, सुबह से पहन सकते हैं, क्योंकि दिवाली में भी इतने सारे काम होते हैं ना कि आप हैवी साड़ी पहन के तो नहीं रह सकते, मैं तो नहीं रह सकती हूँ। मैं बहुत ही लाइट सूट या बहुत ही लाइट साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी प्लेन साड़ी रहेगी और नीचे ये देखिए आप, ये कुछ लाइनिंग टाइप में ये गोल्डन कलर की जरी का काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो नीचे प्लेट्स आती है ना वहां पे रहने वाला है, एंड ये आपका टकिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, और पूरी साड़ी ओवरऑल एक जैसी ही है, आप ये देख सकते हैं, और लेंथ काफी अच्छी है। बाकी का आप ट्राई ऑन में क्लियर कर लीजिएगा, इसके साथ आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है। तो ये है इसका पल्ला, ये देखिए ये इसका पल्ला है, इसमें ये टेजल्स दिए हुए हैं जिससे कि अच्छा लगेगा आगे जब आप घूंघट करके आगे डालेंगे तो ये अच्छा लगेगा। एंड इसी में आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है, कहाँ है देख लेते हैं, ये देख सकते हैं लेंथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। तो इसी में आपको सेम यही आपको ब्लाउज का पीस मिलेगा, इसमें से आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है साड़ी जो कि बहुत ही लाइट वेट है, कलर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे ऐसी साड़ियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। प्राइस पिक्चर में आपको मिल जाएगी, माय हॉल स्टोर पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट साड़ी जो मैंने मंगाई वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये जो साड़ी है मैं आपको बता दे रही हूँ, जितने भी मैंने अपने लिए अभी साड़ी सूट लिया है वो सब 1000 के अंदर ही है, तो काफी रीजनेबल है, और फेस्टिवल में इतना तो बनता ही यार, इससे कम में क्या आता है। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी, इसका फैब्रिक काफी हैवी है, वो जितनी लाइट वेट है ये थोड़ी सी हैवी है, बट ये मुझे बहुत प्यारी लगी, इसका डिजाइन इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। ये पटोला सिल्क साड़ी है विथ ब्लाउज पीस, इसको आप सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन करा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट है ना वो कितना बढ़िया है, इसमें डांडिया खेल रहे हैं बट डांडिया भी चली गई है, लेकिन डांडिया खेलते हुए इसमें आपको दिख रहे हैं। और इसका जो कलर है ना वो डबल सेट में है, मतलब पल्ला शायद इसका पीच कलर है ये,
ओके। एंड इसका प्राइस भी बहुत कम है, मैंने आपको बताया। इसका पल्ला ये है, देखिए बहुत ही प्यारा पल्ला है इसका, वाव ये है। तो ऐसे कुछ साड़ी हमें देखने को मिले कि मुंह से निकले वाव, तो फिर बात ही क्या है। और काफी अफोर्डेबल भी है, ये देख सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आप ड्राई क्लीन कराएगा, और इसमें ये जरी का काम किया हुआ है, गोल्डन कलर का इसमें जरी का काम किया हुआ है। और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आप साड़ी देख सकते हो, बहुत ही प्यारी साड़ी। आप बताना आपको कैसे लगी। इसका जो कलर है ना, मेहंदी ग्रीन कलर होता है, वो जो सूखी वाली मेहंदी होती है वो ग्रीन कलर है इसका, तो बहुत ही प्यारा कलर है। ये एकदम डिफरेंट है, मेरे पास ऐसा कलर है भी नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें ब्लाउज पीस कहाँ है देख लेते हैं। तो ये इसका ब्लाउज का पीस, ये देख सकते हो आप, यहाँ से ब्लाउज का पीस आप देख सकते हैं, पल्ले से मैचिंग है, कॉन्ट्रास्ट में ये साड़ी जो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये भी बहुत अच्छी है, 1000 के अंदर। ये काफी हैवी साड़ी है एंड बहुत बढ़िया है, सर्दियां आने वाली हैं तो इस टाइप की साड़ी जो है ना वो ठीक रहती है। तो गाइज ये जो ब्यूटीफुल सा सूट आप देख सकते हैं, मैं पहन के बैठी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा सूट है, गोश्री की स्टोर से है एंड कॉटन का है, कॉटन ब्लेंड ये इसका फैब्रिक है। एंड स्ट्रेट इसका कुर्ता है, ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट कुर्ता है। इसका नेट का दुपट्टा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेट है, ऐसे नहीं कि फुली फुली वाली नेट है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप जिसको जैसा मन चाहे वैसा आप इसको डाल सकते हैं। एंड इसका जो ये रेशम के धागे से, व्हाइट कलर के धागे से जो इसमें काम किया हुआ है ना, ये एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं। दोपट्टे पे चारों तरफ आपको ये मिल जाएगा रेशम के धागे का, जो कि बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे आप यहाँ भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बाजू में भी देख सकते हैं। इसके साथ में आपको पैंट मिलता है, पूरा सेट है, ये पैंट है, कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है, एंड ये नेट का दुपट्टा है, जो कि आप ट्राई ऑन में देख लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फेस्टिवल आ रहे हैं, तो फेस्टिवल में क्या है ना, मॉर्निंग से आप ये पहन लीजिए, या फिर हैवी ड्रेस आपको चेंज करनी है, उसके बाद आपको घर के सारे काम करने हैं, उसके बाद ये पहन लीजिए, फैमिली में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने पर आप ये वाला सूट जरूर से जरूर बाय करना, और काफी अफोर्डेबल है। इसके रिव्यू रेटिंग बहुत अच्छे हैं, सभी के रिव्यू रेटिंग बहुत अच्छे हैं। जो चीजें अच्छी होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग बाय करना, और जब भी मैं कुछ अच्छा पहनती हूँ तो आप लोग जरूर मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने कुछ रील्स भी तैयार की है सूट में, तो आप वो भी मुझे देख सकते हैं। तो आप लोग पूछते दीदी आपने कहाँ से ले लिंक दीजिए, तो आप लोग प्लीज वीडियो सारे देखा करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बाय करती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा लगा, इसका नेवी ब्लू कलर है ना, नेवी ब्लू कलर इसका बहुत प्यारा कलर है। तो मेरी मेहंदी ठीक है, तो ये थी मेरी शॉपिंग इस बार। अभी मैं आपको मेरे हस्बैंड जी की शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई अपने लिए शॉपिंग करनी है तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए भी तो आपको शॉपिंग करनी होगी ना, तो उनके लिए भी शॉपिंग मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने अपने लिए एक, आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड ना सबसे ज्यादा जीन्स और शर्ट पहनना पसंद करते हैं, और शर्ट भी वो ऐसी नहीं पहनते, एकदम तड़कती भड़कती ऐसे उनको पसंद नहीं है। उनको मतलब बहुत ही सिंपल कॉटन की शर्ट या फिर मतलब ऑफिशियल कपड़े भी उनको पहनना ज्यादा पसंद है, पैंट या जीन्स ही वो पहनते हैं। तो डार्क ब्लू कलर का ये स्लिम जीन्स उन्होंने लिया है, ये आप देख सकते हैं, और इसको आप मशीन में वॉश कर सकते हैं। और इनका जो साइज है ना वो 36 है, और मेरा जो सूट है ना इसका मीडियम साइज मैं हमेशा लेती हूँ। अगर आप मेरे जैसे हैं और तो आप मीडियम साइज लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जीन्स है, तो जीन्स में मुझे लगता है कि ज्यादा कलर जो है ना वो होते नहीं है। दो पॉकेट बैक में है, दो पॉकेट फ्रंट पे हैं, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, सही है। आप लोग प्राइस जो है ना माय हॉल स्टोर पे चेक कर लीजिएगा। तो ये उन्होंने एक जीन्स लिया है, इसको आप मशीन में बहुत आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने अपने लिए लिया एक शर्ट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया उनको शर्ट पहनना, मुझे भी ना उनके ऊपर जीन्स और शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये उन्होंने शर्ट ली है, ये है रेमंड स्टोर से, स्लिम शर्ट है, कॉटन की शर्ट है, और ये वाइट पे है, वाइट पे ब्लू कलर की इसमें लहरिया बना हुआ है, ये देखिए ये लहरिया बना हुआ है। तो उन्हें इस तरीके की शर्ट ही अच्छी लगती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉकेट है, एंड मैं इसको ओपन नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे इसका पिक्चर लगा दूंगी मैं। तो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, फुल स्लीव्स है, क्योंकि ये हाफ स्लीव्स भी नहीं पहनते, वैसे भी अब तो विंटर आने वाले हैं तो फिर हाफ स्लीव्स का तो कुछ काम ही नहीं है, वैसे भी वो पहनते नहीं है, उनको फुल स्लीव्स ही अच्छी लगती है। तो ये शर्ट है, काफी अफोर्डेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है।
तो रेमंड तो आपको पता ही है इस ब्रांड के बारे में, तो आप इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप इसको चेक कीजिएगा। तो एक और उन्होंने ये शर्ट ली है, ये भी कॉटन में ही है, इसको भी आप मशीन से वॉश कर सकते हैं, फिट शर्ट है और ये भी व्हाइट कलर की, आप देख सकते हैं इसका व्हाइट कलर में इसमें ये चेक से बने हुए हैं, ठीक है। एंड इसमें भी यहाँ पे ये बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉलर है एंड फुल स्लीव्स हैं, तो उनको इस टाइप की शर्ट अच्छी लगती है। तो इस बार का शॉपिंग हॉल मेरा कुछ इस तरीके का है, कैसा लगा आप सभी को जरूर बताना। साड़ी सूट तीनों में से क्या पसंद आया, और तीनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर लेना, आंखें बंद करके करना क्योंकि मैं गलत चीजें आपके साथ शेयर करती नहीं हूँ। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। खा रहे हो जो बर्फी, खा रहे हो क्या बर्फी, लो लो ड्रिंक ले रहे हो। तो बस यहाँ पे अभी मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे टमाटर हरी मिर्ची और कुछ मसाले हैं, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। और हाँ प्याज लहसुन भी डाला था क्योंकि मिक्स दाल में ना प्याज लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, प्याज लहसुन हरी मिर्च और टमाटर का तड़का मैंने यहाँ पर लगाया है। दाल बॉयल हो गई अच्छे से, तो मसाले को पहले खूब अच्छे से ना भून लेंगे, उसके बाद दाल को इसमें मिक्स कर देंगे। और ये जो मिक्स दाल है ना बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला, और बाद में डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इस तरीके से बन जाएगी मेरी मिक्स की दाल, मिक्स दाल। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। मुझे मिक्स दाल बहुत पसंद है, वो भी मिस्सी रोटी के साथ, लेकिन प्लेन रोटी ही बनाई थी, मिस्सी रोटी इनको नहीं खानी थी तो फिर मैंने प्लेन रोटी बनाई थी। और यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं सो चुकी हूँ, सो के उठने के बाद ये लंच के बर्तन जितने भी हैं वो सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा नशा आ रहा था, नींद आ रही थी मुझे, तो फिर मैं सोई हूँ अच्छे से, और उसके बाद एक दो फ़ोन अटेंड किए, और उसके बाद फिर मैं काम में जो है वो लग चुकी हूँ, क्योंकि बर्तन जब तक पड़े रहते हैं तब तक ऐसा लगता है कि यार यार काम पड़ा है, काम पड़ा है, काम पड़ा है। और ये सारे कपड़े पता है करवा चौथ के टाइम के हैं, कुछ कल के भी हैं, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, उठा के दूसरे वाले रूम में रख दिए थे, तो आज सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, कुछ आज कल के हैं और कुछ करवा चौथ से पहले के हैं, करवा चौथ से फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको फ़ोल्ड करने का, तो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और बहुत सारे कपड़ों पे भी प्रेस भी करनी है, काम बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम बचा है, दिवाली बहुत पास में आ चुकी है, आपको पता ही है, आप लोग भी काम में लगे होंगे मुझे पक्का पता है, कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है। अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया है कपड़े अपड़े फ़ोल्ड करने के बाद, फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई, तैयार होने के बाद मैं आई, ये पहले ही चले गए थे, इन्होंने बोला था कि मैं तुमको कॉल कर दूंगा तब तुम आ जाना क्योंकि पास में ही जाना है। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ एक कार्यक्रम है उसमें, तो खीर का प्रसाद भी है, तो ये बोले कि तुम आ जाना थोड़ा सा देखना कैसे क्या होता है, और फिर खीर का प्रसाद लेके घर वापस आ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में खीर आ चुकी है, राइस की खीर है और प्रसाद की खीर, तो प्रसाद की होती है, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो यहाँ पे देखो कार्यक्रम भी चल रहा था, ये सामने ये खड़े हुए हैं, तो ये आरएसएस वालों का कार्यक्रम था, तो यहाँ पे मैं भी आई हुई थी, और हमारे घर की ये बहुत पास में, यहाँ पे मंदिर पे मैं आती रहती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और अभी खीर का प्रसाद लेकर के मैं तो निकल रही हूँ, क्योंकि इनको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, तो मैं इनको बोली थी कि आप आराम से आ जाना, मैं जा रही हूँ क्योंकि घर जाके मैं थोड़ी बहुत अपने काम ही करूँगी, रात हो रही थी ना इसलिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि जब ताला खुल जाता है तो कितना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी ताला हो, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि खास किस्मत के ताले भी ऐसे ही जल्दी जल्दी से खुल जाएं और सारे काम अच्छे से हो जाएं तो कितना अच्छा लगे। हेलो दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि मैं गई थी वो खाने के लिए, खीर खाने के लिए, शरद पूर्णिमा के उसमें किया गया था खीर का, तो मैं अभी खीर खा के आई हूँ, दो दोनों मैंने खीर खाई,
मैं आ गई क्योंकि इनको तो थोड़ा सा अभी लेट होगा, ये बोल रहे थे कि रुक जाओ मैं भी चलूंगा साथ में, बाइक से ले चलूंगा। ये पास वाले मंदिर में जब हम लोग जाते ना पूजा वगैरह करने के लिए तो वहीं पे था उसी गार्डन में, तो मैंने बोला कि पास में ही है, जब मैं पैदल आ सकती तो जा भी सकती हूँ, आप आराम से आइएगा। क्योंकि इन्होंने अभी खीर नहीं खाई थी, सब लोग मतलब साथ में मिलके खाएंगे वो लोग उनका, तो इसीलिए तो मैं आ गई। आज संडे है तो पूरा लेजी डे था, आज मैं बहुत सोई हूँ क्योंकि कल ये नहीं थे ना, तो कल रात को मैं 4 बजे सोई थी, रात को नहीं सुबह 4 बजे सोई थी, मैं सच्ची में 4 बजे सोई थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 4 बजे सोई थी। और फिर मैं 8 बजे उठी थी, ये आके इन्होंने बेल बजाई थी, तो मुझे लगा कि दूध वाले भैया आ गए, 10 बज गए कि 9 बज गए, पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना लेट उठी हूँ, देखा तो ये थे बाहर, तो ये आ गए थे, फिर ये भी आके सोए हैं क्योंकि थक गए थे, और मैं तो फिर उठ गई थी, फिर उठी तो फिर मैंने घर के सारे काम किए। सो बस आपसे बात ही नहीं की, आज संडे है, आज की डेट 16th of October है, दिवाली पास में आती ही जा रही है यार, निकलते जा रहे हैं, मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, आज ही मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था, चिड़चिड़े सा मन हो रहा था, खाना खा के जो मैं सोई हूँ ना 2 घंटे, बस पूछो मत, फ़ोन में इतने सारे मिस कॉल हो गए लोगों के तो मैं बहुत सोई थी आज। तो अभी कपड़े चेंज कर लिए मैंने वहाँ से आके, अब सोच रही हूँ कि डिनर क्या बनाऊँ, अब जब ये आ जाएंगे ना तो ही मैं इनसे पूछूँगी कि क्या खाएंगे, क्योंकि खीर खा ली ना दूधों ने, तो अभी तो मेरा मन नहीं है, अभी 8 बज रहे हैं इवनिंग के, तो जब मैं गई थी तब तो मंदिर में आरती हो रही थी और वंदना चल रही थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ ये आ जाएंगे फिर इनसे पूछ के फिर बनाऊँगी। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था अपना, कल देखते हैं, कल फाइनल मैं क्लीनिंग करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मेरी आगे की मेहंदी निकल जाती है, देखो जब बर्तन बर्तन क्लीन करते हैं ना स्वेटिंग हो रही है मुझे क्योंकि फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने, ये देखो मेरी आगे की मेहंदी निकल जाती है। और आप सबको मेहंदी अच्छी लग रही थी, थैंक यू सो मच, ये मेहंदी ना मैंने लगाई थी और बहुत दिन के बाद लगाती ना तो ऐसी लगा लेती हूँ, जब मैं कंटिन्यू लगाऊंगी ना तो मेरी सच में यार प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी। तो जो लोग सोचते ना कि हम मेहंदी नहीं लगा पाएंगे, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप ना एक बार कीप अपने हाथ में लीजिए, कौन मेहंदी का अपने हाथ में लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, एक बार गंदी लगेगी, बहुत गंदी लगेगी, बहुत गंदी लगेगी, कभी तो अच्छी लगेगी, आपका हाथ बैठ जाएगा कौन पे, तो आप फिर, और अगर आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आते हैं तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं, और अब तो वो बुक्स का कोई नहीं देखता है, अब तो यूट्यूब पे कितने सारे डिज़ाइन रहते हैं, दिखाते हैं शुरू से लेकर दिखाते हैं कि आप कैसे कैसे उसको बना सकते हैं, अगर आप ड्राइंग वगैरह कुछ भी कर लेते तो आप मेहंदी ईजिली लगा सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में सब चीज़ करके देखना चाहिए, इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता, सब आ जाता है। तो मैंने कभी भी मेहंदी लगाना सीखा नहीं है, पहले घर में सब लोग लगाया करते थे, मेरी मासी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो उन्हें को देख देख के हम लोग ऐसे देखते देखते सीख गए, कभी भी हम मेहंदी सीखने ऐसे कभी नहीं गए प्रॉपर। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, फ़ैन ऑन कर लेती हूँ और थोड़ा सा बैठी हूँ, और अभी एक वीडियो भी शूट करना है, तो सोच रही हूँ कि मैं 9 या 10 बजे के टाइम, मैं रात के टाइम में शूट करना सही लगता है मुझे, थोड़ी शांति भी हो जाती है चारों तरफ, और वैसे मैं लेट सोती हूँ आपको पता ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि 9, 9:30, 10 बजे मैं तैयार हो जाऊँगी तो शूट कर लूँगी। अभी थोड़ा सा फ़ोन चेक कर लेते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। देखो इधर, पता है इनको देख के आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है, मेरे पापा की बैंक का यूनिफॉर्म है, वाइट शर्ट वाइट पैंट, पता है मैं यही बोल रही थी कि उनको इतना मतलब पसंद है वाइट ड्रेस, उनका मतलब बैंक में से एक दिन ऐसा रहता था कि वाइट यूनिफॉर्म पहन के आनी होती थी सबको ही। दिवाली के काम चल रहे हैं सबके यहाँ भी, तो मेरा ना पानी पूरी खाने का बहुत ज़ोरों से मन कर रहा था, ये जैसे ही घर में एंटर हुए मैंने बोला कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, 9, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था कि मुझे पानी पूरी खिला के लेके आओ, एकदम से मेरा मन कर गया। और सच में ये भैया भी ना जाने ही वाले थे, हम लोग बिल्कुल लास्ट टाइम यहाँ पर पहुँचे हैं, भैया बोले कि हम लोग बंद करके जा ही रहे थे, लेकिन चलो अच्छा है हम आ गए, तो ये लास्ट कस्टमर थे शायद हम उनके, कहते हैं ना कि मतलब कोई भी शॉप पे फर्स्ट एंड लास्ट कस्टमर आता है तो मतलब अच्छा लगता है। तो जाते जाते हम लोगों ने पानी पूरी जो है ना वो इन्जॉय किया, और इसके बाद फिर अच्छा पानी पूरी खाने के बाद ये वाली पानी पूरी खाने का किस किस को इंतज़ार रहता है, जो मसाला वाली होती है ना ऊपर से आलू और मसाला डाल के देते हैं, मैं इसका वेट करती हूँ कि जल्दी से ये मुझे कब मिलेगी, कब भैया मुझे लगा के देंगे, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी तो मैं इसी की प्लेट लगवा के खाती हूँ,
लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता जो इसमें मज़ा आता है, जो वो एक देते हैं ना, कभी कभी मन करता तो भैया से बोलती भैया एक और दे दो प्लीज़, तो वो दे देते हैं बहुत अच्छे तो यहाँ पे देखो अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, अभी हो गया है नेक्स्ट डे, चाय बन रही है। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और चाय हम लोगों ने पी ली है, 9 बज रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए। और बालों को ना मैं पहले से अच्छे से बांध लूंगी क्योंकि मैंने कल वॉश किए थे और फिर से डस्ट हो जाएगी। और आपको पता है कल मैंने एक रात को 12 बजे तक मैंने शूट किया था। तो यहाँ कुछ छोटे छोटे से मैंने बच्चों के कपड़े मंगाए हैं, कितने क्यूट क्यूट हैं। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने इसको म्यूट कर दिया। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसी लग रही है फ्रॉक, और नेक्स्ट वीडियो में देखना शॉपिंग हॉल आएगा कि मैंने कपड़े क्यों मंगाए हैं। एंड यहाँ पे आज हमने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी इस वाली रूम की, जो पूजा वाला रूम है ना उसी की। तो आज देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे क्लीन करते हैं, वो सब आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी क्लीनिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको दिवाली प्रिपरेशन देखने को मिलेंगे, फिर आपको दिवाली व्लॉग मिलेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक ज़रूर करना है क्योंकि हमारी मेहनत है, बहुत अच्छा लगता है आप जब एक लाइक करते हैं तो, और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ तो आगे कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। और अभी दिया डेकोरेशन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलेंगे नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।